नमस्कार, मेरा नाम है अमर कुमार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। आज हम धनबाद के कृषि मंडी में आए हुए हैं और यहाँ के जो समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष उनसे बात करेंगे। एक बिल आ रहा जिसके वजह से 2% और जो है टैक्स बढ़ जाएगा और अंततः ये जाके जो आम आदमी है उनके ऊपर ये बोझ बनेगा। तो आज यहाँ पर जो काम हो रहा है वो काला बिल्ला लगा कर हो रहा है, विरोध जता रहे हैं। इसके अलावा ये क्या क्या करेंगे इस विधेयक को वापस ले जाने के लिए, सरकार बैकफुट पर जाए इसको लेकर के क्या होगा, तो सब चीज़ों पर बात करेंगे और जानेंगे। तो जुड़ते हैं सीधा यहाँ के उपाध्यक्ष और जानते हैं। मामला ये है कि विगत 3-4 दिन पहले राज्यपाल महोदय द्वारा 2% के बिल को साइन कर दिया गया है, जो कि अब कानून बन के लागू होने की तैयारी में है। और हम लोगों की कोशिश ये है कि ये किसी हालत में ना लगे, क्योंकि ये व्यापारी के हित में भी नहीं है, किसान के हित में भी नहीं है और आम जनता के हित में भी नहीं है। क्योंकि 2% महंगाई का बोझ, एक तो ऐसे ही जनता महंगाई से परेशान है, उसके ऊपर से 2% का और बोझ पड़ जाएगा। इसके अलावा हम लोगों का व्यापार जो है समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हो जाएगा कि आसपास की जो हम लोगों के नियरेस्ट राज्य हैं, जैसे बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, कहीं भी ऐसा कोई भी कानून नहीं है, ना कोई मतलब 2% महंगा पड़ेगा झारखंड में, तो कोई भी आदमी क्यों लेगा यहाँ से, लोग वहाँ से लाएंगे। तो सरकार को ये टैक्स तो नहीं मिलेगा, GST का और नुकसान होगा और हम लोगों का व्यापार एकदम तबाह हो जाएगा। तो हम लोगों के पास में और कोई उपाय नहीं है, अब हम लोगों को विरोध करना है और मतलब इतनी ताकत से विरोध करना है कि ये बिल हटे। अगर ये बिल नहीं हटेगा तो हम लोगों की दुकानें बंद हो जाएगी, हम लोग चाबी सरकार को दे देंगे तो हम लोगों का व्यापार बंद हो जाएगा। तो हम लोग या तो स्ट्राइक पे चल जाएंगे, सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग बंद करके चाबी सरकार को दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम लोग और कोई काम धंधा ढूंढेंगे। तो अध्यक्ष से जुड़ते हैं, एक तो क्या काला बिल्ला लगाकर आप काम करें विरोध जता रहे, पर इसके अलावा और क्या रणनीति रहेगा ताकि सरकार को भी ये बात समझ में आए कि यहाँ भी व्यापारियों का भी परिवार है और अंततः जो बोझ पड़ेगा आम आदमी पे वो भी ना हो। देखिए, पिछले वर्ष भी झारखंड विधानसभा के द्वारा इस बिल को पास किया गया था और पूरा राज्यव्यापी विरोध और आंदोलन के द्वारा इस बिल को निरस्त किया गया। और पिछला बार राज्यपाल ने हम लोगों की बातों को समझा और इस बिल को निरस्त करवाने का काम किया और वापस लौटाने का काम किया। परंतु इस प्रदेश का दुर्भाग्य है, यहाँ के सरकार की क्या मंशा है, संवेदनहीन सरकार है, पुनः इस बिल को दोबारा लाकर विधानसभा में विधानसभा सत्र के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन अंतिम पहर में चुपके से इस बिल को पास करा लिया गया। किसी विधायक को समझने का मौका भी नहीं मिला और इस पास कराकर ऑफिशियल प्रोसेस करके राज्यपाल महोदय से भी इसको सिग्नेचर करवा लिया गया और अब यह बिल लागू होने के कगार पर है। और इस बिल में इतनी खामियां हैं, कैसे कोई सरकार किसी अपने प्रदेश की जनता के बारे में ऐसा सोच सकती है, यह समझ से परे है। इस बिल को लाया गया है कि यह किसानों के संवर्धन के लिए है, किसानों के विकास के लिए है, किसान की मंडियों की उन्नति के लिए है। यहाँ के किसानों पर 2% कर लगाकर जो पैसा आएगा वो यहाँ के किसानों के सुविधा संबंधन के रूप में उपयोग किया जाएगा। परंतु बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इस बिल में जो पहला ही लाइन लिखा हुआ है, कृषि उत्पादन के साथ साथ कृषि आयातित जो जींस है, आयातित का मतलब हुआ कि दूसरे प्रदेश से जो माल आएगा उस पर भी 2% कर लगेगा। तो मेरा कहना यह है कि जो माल हमारे प्रदेश में उपज हो ही नहीं रहा है, जो माल बगल के राज्यों से आ रहा है, उत्तर प्रदेश से आ रहा है, छत्तीसगढ़ से आ रहा है, मध्य प्रदेश से आ रहा है, उन मालों पर पहले ही वहाँ पर जो वहाँ की सरकार है वो अपने हिसाब से जो टैक्स लगा के रखी है, उसके बाद दोबारा पुनः उसी माल पर फिर से 2% कर लगाना या कहीं से भी किसान के हित में तो नज़र नहीं आता है। आखिर वही किसान जो किसान को यहाँ तेल खरीदना है और चीनी खरीदना है वो यहाँ उत्पादन तो नहीं कर रहा है, तो उस किसान पर ही तो इस 2% का बोझ बढ़ेगा। यह कैसी संवेदनहीन सरकार है जिसको यह छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है। झारखंड जो है खनिज संपदा से भरपूर राज्य है, यहाँ का उत्पादन कोयला, लोहा, खनिज है, न कि कृषि उत्पादन है। यहाँ का कृषि उत्पादन, कृषि का जो ज़रूरत है वो दूसरे प्रदेश की मंडियों से जो माल आता है पूरा का पूरा 90% से ज़्यादा उसी पर यहाँ पर लोग आधारित हैं। व्यापार उसी पर टिका हुआ, व्यापार नहीं, यहाँ का कंजम्पशन, लोगों की जो ज़रूरत है, व्यापार तो उसके बाद का बात है। आज अगर आप अपने घर में 10 किलो चीनी का प्रयोग कर रहे हैं तो 990 ग्राम है वो उत्तर प्रदेश की मंडियों से आता है, उसका उत्पादन झारखंड में नहीं होता है। तो जब वो वहाँ से यहाँ आकर 2% लगेगा तो आपके घर में चीनी का दाम 2% बढ़ जाएगा। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? इसका खामियाजा भुगतेगी यहाँ की पब्लिक।
और इसके साथ साथ जब यहाँ पर माल महंगा हो जाएगा तो यहाँ का व्यापार अगल बगल के राज्यों में शिफ्ट हो जाएगा। आज बंगाल में ऐसी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, जब यहाँ का माल वहाँ बिकने लगेगा तो 5% के रूप में अभी GST मिलता है राज्य सरकार को, वह GST भी आना बंद हो जाएगा राज्य सरकार को। तो ये तो पता नहीं कि 2% शुल्क बाजार समिति का सरकार वसूल पाएगी कि नहीं पाएगी, लेकिन जो 5% GST के रूप में सरकार को मिल रहा है वह भी बंद हो जाएगा। कुल मिलाकर यह सरकार संवेदनहीन है, अदूरदर्शी है, अव्यवहारिक है और उसको हर हाल में इस बिल को वापस लेना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, राज्य सरकार फरवरी के महीने में विधानसभा में यह विधेयक को लाया गया और यह विधेयक उस समय राज्य भवन से राज्यपाल जी के द्वारा इसे वापस किया गया। पुनः इस विधेयक को राज्य लोकसभा में विधानसभा में इसको पास किया गया। मैं मिरर मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं, जब 2015 में रघुवर सरकार ने इस एक्ट को, बाजार समिति शुल्क को, कृषि उत्पादन बाजार समिति को उन्होंने समाप्त किया, क्यों समाप्त किया? उसका रीजन एक था कि इस कृषि विपणन परिषद से ना ही राज्य को लाभ हो रहा था, ना ही किसानों को कोई लाभ हो रहा था। ये कथन था राज्य सरकार की कि ये भ्रष्टाचार का अड्डा है, यहाँ भ्रष्टाचार के माध्यम से राज्य सरकार में बैठे कर्मचारी इसका लाभ ले रहे हैं, जनता को कहीं भी इसका कोई लाभ नहीं, किसानों को कोई लाभ नहीं। मैं आज पुनः मिरर मीडिया के मांग करता हूँ कृषि मंत्री जी से और वो भ्रष्ट पदाधिकारी से, जिन्होंने राज्यपाल जी को जाकर के ई नेम के माध्यम से और कहे कि इनसे किसानों को लाभ होता है, मैं पूछना चाहता हूँ उन भ्रष्ट पदाधिकारी से, कृषि मंत्री से, आप 1982 से बाजार समिति में आज तक 1 किलो भी पूरे झारखंड में क्या आपने किसानों का 1 किलो भी अनाज बिकवाया है बाजार समिति एक्ट के रूल के नियम के अनुसार? आपने किन किन किसानों का क्या क्या लाभ दिए आप बताने का काम आम जनता को कीजिए, हम व्यापारियों की जरूरत नहीं है। हम व्यापारी तो जान रहे हैं कि क्या किसानों को लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप किसान के कंधा को यूज कर, किसान का नाम लेकर व्यापारियों का कंधा का यूज कर भ्रष्टाचार की गंगा को आप बहाना चाहते हैं। मैं इस बात को आपको बता देना चाहता हूं, हम व्यापारी भी अड़िग हैं कि भ्रष्टाचार की गंगा को हम लोग समाप्त करेंगे और सरकार की इस मंशा जो है कि अधिकारियों के माध्यम से व्यापारियों और किसानों का कंधा को यूज कर हम भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा कमाएंगे, वह आप भूल जाइए, वो दिन भूल जाइए। आज के नौजवान व्यापारी हैं और हम सरकार के जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जितनी योजना है सारी योजना को हम भी समझते हैं और आप किस माध्यम से पैसा कमाना चाहते हैं, क्या किसानों को लाभ देना चाहते हैं, ये भली भांति हम भी समझते हैं और आप भी समझते हैं। आपके चेहरे की चमक बता रही है और व्यापारियों की उदासी बता रही है कि आप कुछ न कुल भ्रष्टाचार की गंगा को लाना चाहते हैं। व्यापारी जिद है, आपकी भ्रष्टाचार की गंगा तो मिलेगी नहीं और आप इस भ्रष्टाचार में कहीं लिप्त भी पकड़े गए और कानून आया तो आप फंसेंगे, बचेंगे नहीं। देखिए ऐसा है ना कि पूरे देश में जब GST आई थी ना तो मोदी जी ने कहा था कि पूरे देश में वन नेशन वन टैक्स, आप लोग भी जानते हैं। जब GST आई तो पूरे देश में एक ही तरह का कर, लोगों को बताया गया कि एक ही तरह का कर लगेगा। उसके बाद जब GST पूरी तरह लागू हो गई तो फिर एक रोज़ नए नए टैक्स को लगाने की क्या ज़रूरत है? ये तो सीधा आम जनता के ऊपर बोझ पड़ रहा है। आज जो झारखंड पे 2% कृषि शुल्क के रूप में लग रहा है, ये सीधे का सीधा आम जनता पर इसका असर पड़ेगा। आज हम लोग तो व्यापारी है, हम लोग अगर 2% जोड़ करके हम लोग सरकार से को देंगे वसूल के तो स्वाभाविक जनता से लेंगे, घर से तो कोई व्यापारी देगा नहीं, क्योंकि हम लोग का सिर्फ कंधा को इस्तेमाल किया जा रहा है और बोझ सीधा जनता पड़ेगा। ये चीज़ सरकार को समझना पड़ेगा, चूँकि राज्य सरकार जब रघुवर जी की सरकार थी उस समय इस टैक्स को हटाया गया था और आज फिर हेमंत जी की सरकार में इसको लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये कहा है कि एक अच्छा मैसेज जाए आपकी सरकार में, कम से कम ये जो टैक्स लगाने की आप प्रक्रिया कर रहे हैं इसको अविलंब रोका जाए और जनता हित में एक अच्छा मैसेज जाए आपकी सरकार के द्वारा, जनहित में कार्य करें, व्यापारी हित में कार्य करें और इस टैक्स को, इस कृषि बिल को अविलंब निरस्त करें। देखिए इस बिल से सबसे पहले महंगाई जो है वो 2% झारखंड की जनता को अतिरिक्त
पड़ेगी, जो माल एक तो ऐसे ही महंगाई हमारी बढ़ते जा रही है उस पर 2% का अतिरिक्त शुल्क लागू होगा, तो 2% की महंगाई और बढ़ेगी। साथ में क्या है, आज GST में खाली 5% दर नहीं है, 5% 12% 18% 28% 4 स्लैब है और लगभग सभी स्लैब के खाद्यान्न में है, साबुन सर्फ भी 28% वाले भी हैं। तो वो जो टैक्स गवर्नमेंट को जैसे 2.5% CGST 2.5% जो केंद्र सरकार को 2.5% राज्य सरकार को मिलता है, तो SGST जो हो गया आपका, तो स्टेट वाला में तो वो 14% का भी असर पड़ेगा। जो मान लीजिए स्लैब 28% है तो वो 2% के चक्कर में वो 14% राज्य सरकार को भी नुकसान है, 12 वाले स्लैब में 6% का भी नुकसान है। प्लस यहाँ से जो कारोबार है वो बगल की मंडी बंगाल है सटी हुई धनबाद से, वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, व्यापारियों को नुकसान है, आम जनता को महंगाई का नुकसान है। साथ में जो आज हमारे यहाँ हज़ारों की संख्या में स्टाफ लेबर काम कर रहे हैं, जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम यहाँ पर कर रहे हैं, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। व्यापारी के साथ सबके लिए ये बहुत भारी समस्या का काम है, तो इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी वापिस ले इस बिल को, और जो सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है व्यापार की वो चलते रहे, नहीं तो महंगाई के साथ साथ बहुत सारी अधिक परेशानी अफसरशाही वगैरह बढ़ जाएगी। आज देखिए हम लोग काला बिला लगाकर पूरे प्रदेश में काला बिला लगाकर सरकार के विरोध में काम कर रहे हैं, और बुधवार को हम लोग का राज्यव्यापी बैठक है रांची में, उसमें हम लोग डिसीजन लेंगे कि आगे किस प्रकार हम लोग सरकार के खिलाफ में बिगुल फूकने का काम करें। हमें तो एक बात नहीं समझ में आई, आखिर क्या ऐसी विपत्ति आन पड़ी थी कि सरकार को खाद्यान्न पे टैक्स लगाना पड़ा। जीवन का मूलभूत संरचना है रोटी कपड़ा और मकान, पहला चीज है रोटी और रोटी पे टैक्स। क्या हमारा राज्य का कोष खाली हो गया? और लगाए भी तो सबसे न्यूनतम होना चाहिए क्या? नहीं नहीं, टैक्स का दरकार ही नहीं है। जहाँ मोदी जी फ्री बांट रहे हैं वहाँ हमारी हेमंत सरकार रोटी पे टैक्स लगा रही है। आखिर क्या विपत्ति आ गई कि रोटी पे टैक्स लगाना पड़ा? क्या हमारा राज्य का कोष खाली हो गया? क्या हमारे देश में कोई इमरजेंसी के हालात हैं? हमें ऐसा कोई भी हालात समझ में नहीं आते, तो फिर रोटी पे टैक्स लगाना कहाँ तक जायज है? कहीं तक जायज नहीं है। कहीं ना कहीं जैसे उन्होंने लगाया और भ्रष्टाचार का भी कहीं भ्रष्टाचार का बोलबाला के लिए लगाया ही गया है। मैं माननीय है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करूँगा कि उनकी कोर कमेटी में जो भी सदस्य हैं उन्हें दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जो अफसर है उन्हें दिग्भ्रमित कर रहे हैं, सच्चाई से अवगत नहीं करा रहे, इसीलिए वो इस प्रकार का निर्णय ले रहे हैं, बेतुका निर्णय ले रहे हैं। और ऐसे सब बिल बने तो क्या इनपुट लिया गया था? जैसे आपके तो पूरे राज्य भर में समितियां हैं, तो इन सब से इनपुट लिया गया था या अपने ही बना दिया? यहाँ तो राइफल लेके खड़ा हो गया 2% टैक्स, बस। किसी व्यापारी से कोई राय नहीं लिया गया, कोई मशवरा नहीं किया गया, और ये सीधा सीधा टैक्स हम लोगों के ऊपर थोप दिया गया। हम लोगों ने वहाँ हवाई अड्डे पे भी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, एक आश्वासन का भी उम्मीद किए थे कि एक आश्वासन भी देंगे, अच्छा हम देखेंगे दिखाएंगे। हम लोगों ने ये भी कहा इससे आपका GST संग्रह में फ़र्क पड़ेगा, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि ऐसा GST हम लोग को मिलता ही कहाँ है। तो मुख्यमंत्री जी का निर्णय है, हम लोग अपील करेंगे उनसे कि इस निर्णय को अपना वापस करें, कम से कम रोटी पे टैक्स नहीं लगाए। तो देखने वाली बात यही होगी कि जैसे केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने किसानों संबंधित बिल लाए, तो और सारे किसान दिल्ली में जा बैठे थे, जब इन राज्य सरकार यानी रांची से जब ये लोग जाएंगे बुधवार को, आगामी बुधवार को वहाँ भी गुलजा फूकेंगे और वहाँ जब आंदोलन करेंगे, तो क्या ये बैकफुट पर आते हैं? क्योंकि अंततः जो बात हमें ग्रास रूट लेवल पर धरातल पर समझ में आती है कि ये कहीं से भी किसी को फ़ायदा नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ जो भ्रष्टाचार है उसको और बढ़ावा देगा, क्योंकि अंततः बोझ आम आदमी पर ही पड़ेगा। और व्यापारी को लेकर के अगर यहाँ चीज़ें महंगी होगी तो आसपास के मंडियों में ही लोग शिफ्ट होंगे, वहीं से व्यापार ज़्यादा होगा, और हो सकता है कि यहाँ से लोग व्यापार वहीं चले जाएँ, तो रोज़गार भी बहुत सारा कह सकते हैं कि एक गाज गिर सकता है, कम हो सकता है, तो कई सारे संकटों का एक पिल आया ऐसा देखने को हमें ये लग रहा है। तो क्या ये बैकफुट पर जाएंगे, राज्य सरकार नहीं जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तब तक ले देखते रहिए मिरर मीडिया, मेरे सहयोगी अशोक के साथ मैं अमर कुमार, धन्यवाद।